हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोग को ब्लाउज के बैक नेक में डिजाइन शेयर करूंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये हम कटिंग कर ली है ब्लाउज की, उसके बाद इसकी लंबाई है 17 इंच। तो यहाँ पर तैयार होगा 16 इंच, हाफ इंच नीचे सिलाई मार्जिन, हाफ इंच ऊपर। तो यहाँ पर ये तैयार होगा 16 इंच पे। उसके बाद यहाँ से कंधे की चौड़ाई है, तो कंधे की चौड़ाई 5.5 इंच है। यहाँ से आर्म होल की लंबाई 6 इंच है। उसके बाद यहाँ पर ये सीना है 43 इंच, 43 का चौथाई हिस्सा 11.25 इंच, 11 में 2 पॉइंट कम। कमर है 36.5 इंच, 36.5 का 9 इंच 2 पॉइंट, 1 इंच डॉट का, और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लिए हैं। इस तरह से यहाँ से लाइन इस तरह से खींच देंगे। उसके बाद यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे, तो गला हम यहाँ से 2.5 इंच पे रखेंगे, क्योंकि डीप गला है। तो डीप गले में गला जो है इसकी चौड़ाई 2.5 इंच पे रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसकी लंबाई रखेंगे 12.5 इंच पे, चौड़ाई गले की रखे हैं 2.5 इंच पे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे से 3.5 इंच पे चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद इस तरह से निशान खींच देंगे। तो यहाँ से गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे रखे हैं, और उसके बाद यहाँ से लंबाई 12.5 इंच पे है, और नीचे से चौड़ाई यहाँ से 3.5 इंच पे है। उसके बाद यहाँ से हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये वाला शेप बनाएंगे, इसमें ये वाला डिजाइन इस तरह से। तो यहाँ पे निशान कंप्लीट हो गया, उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे कटिंग कर ली है, उसके बाद इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा शेप आया है इसका। वस्त्र की कटिंग कर ली है, उसके बाद यहाँ पे ये मेरा मेन कपड़ा है, जो मेन कपड़े की कटिंग पहले से हम कर लिए थे। तो इसको इस तरह से हम खोल लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से खोल लेना है, खोल के उसके बाद इस पर इस तरह से मेन कपड़े पे सेट कर लेना है अच्छे से इस तरह से। उसके बाद यहाँ से जो 1/2 इंच का मार्जिन लिए हैं वहाँ से हम सिलाई लगाएँगे इस तरह से। तो यहाँ पे एक बार सिलाई लगा ली है, उसके बाद इस तरह से इसको पलट लेंगे। पलट के यहाँ अस्तर पे एक बुट की सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पे अस्तर पे सिलाई लगा ली है, उसके बाद इस तरह से इसको पलट लेंगे। पलट के ऊपर से यहाँ पर पलट के उसके बाद ऊपर से एक बुट की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे एक बराबर करते जाना है, उसके बाद यहाँ इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं, उसके बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे। पलट के उसके बाद किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे किनारे किनारे पूरे ब्लाउज में कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अच्छे से सेट करते जाना है, उसके बाद सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई लगा लिए हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसका कटिंग कर लिए हैं, उसके बाद इसमें हम बनाएंगे पाइपिंग। तो इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे, लैस नहीं लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए यहाँ पे हम पाइपिंग बना लिए हैं। अब इसको इस तरह से यहाँ से अटैच करेंगे।
तो इसी तरह से पूरे गले में अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे पूरे गले में पाइपिंग अटैच कर ली है। उसके बाद इसको हम पलट कर तरह से सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो कोना है इस पर हम कट लगाएंगे इस तरह से, उसके बाद इस कोने पे लगाएंगे। तो यहाँ पे कट लगा लिए हैं, उसके बाद इस तरह से पलट के पूरे गले में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम पाइपिंग बना लिए हैं, यहाँ पे देखिए कितना ये खूबसूरत डिज़ाइन तैयार हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम डॉट भी डाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे अब हम डोरी लगाएंगे, तो इसका डोरी तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम रेडीमेड डोरी हम लगाएंगे। तो फिर मेरी वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सा ये डोरी भी लगा लिए हैं, यहाँ पे कितना प्यारा डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड मेरी वीडियो आज की कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।